नवरात्रि के मौके पर शहर के पश्चिमी क्षेत्र से 12 सालों से निकाले जाने वाली विशाल चुनरी यात्रा 2 साल बाद निकाली गई। पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता के नेतृत्व में 2.5 किलोमीटर की यह यात्रा बड़ा गणपति से निकाली गई, जिसका समापन बीजासन मंदिर पर किया गया, जहां पहुंचकर मां बीजासन को चुनरी चढ़ाई गई। इस दौरान हम आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव भी मौजूद रहे। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। इंदौर के पश्चिमी क्षेत्र का नजारा आज बदला हुआ था। यहाँ पर माता की भक्ति से सराबोर लोग सड़क पर दिखाई पड़ रहे थे। वे जमकर माता के जयकारे लगा रहे थे, क्योंकि बड़ा गणपति से बीजासन मंदिर तक विशाल चुनरी यात्रा निकाली गई थी। 2 लाख सितारों, गोटा व मोतियों से सजी 2 किलोमीटर लंबी चुनरी को माता बीजासन को अर्पित किया गया। सबसे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने चुनरी भेंट कर यात्रा की शुरुआत की। यात्रा को लेकर पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने बताया कि बीते सालों में चुनरी यात्रा कश्मीर बचाओ देश बचाओ, धारा 370 हटाओ, प्लास्टिक मुक्त अभियान, सामाजिक समरसता, भ्रष्टाचार मिटाओ देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान के साथ निकाली गई थी। अभी पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, इस कारण इस बार पर्यावरण संरक्षण व संकल्प के साथ यात्रा निकाली जा रही है। हर वर्ष की तरह हम नवरात्रि के पावन पर्व पर एक विशाल चुनरी यात्रा निकालते हैं, और ये विशाल चुनरी यात्रा पूरे इंदौर, मध्य प्रदेश और देश की सबसे बड़ी चुनरी यात्रा होती है, जो 2.5 किलोमीटर लंबी चुनरी हम सब लोग मां बीजासन को चढ़ाने जाते हैं, और एक विशेष संकल्प को लेकर ये यात्रा होती है। इस बार जो संकल्प है वो पर्यावरण संरक्षण का संकल्प है, और इसमें सभी विधानसभा एक से सभी श्रद्धालुगण माता बहनें इसमें शामिल होती हैं, और माँ बीजासन के चरणों में 2.5 किलोमीटर लंबी चुनरी चढ़ाकर देश की खुशहाली के लिए, प्रगति के लिए और उन्नति के लिए सब लोग प्रार्थना करते हैं। हमारी यह चुनरी यात्रा 2010 से प्रारंभ हुई थी, उसके बाद 10 वर्ष तक निकली, उसके बाद 2 साल कोरोना काल था तो यात्रा नहीं निकली, केवल हम लोगों ने चुनरी जाकर बीजासन माता को चढ़ाई। इस बार चूंकि कोरोना समाप्त हो गया है तो सब लोग अपार उत्साह के साथ माँ बीजासन के चरणों में 2.5 किलोमीटर चुनरी चढ़ाने जा रहे हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक से सभी कॉलोनियाँ बस्तियों से लोग आए हैं, मोहल्लों से आए हैं, और सब में अपार उत्साह है। हमने लगभग 10 से ज़्यादा संकल्प लिए थे, जिसमें कश्मीर बचाओ देश बचाओ, धारा 370, स्वच्छ भारत अभियान और प्लास्टिक मुक्त भारत, इसी तरह अनेक संकल्पों को हमने जो लिए थे वो पूरे हो गए स्वच्छ भारत सहित का, और आने वाले समय में ये पर्यावरण का जो संकल्प लिया वो पूरा होगा। चुनरी यात्रा में मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक रमेश मेंदुला, पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नीमा, जीतू जिराती, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त सावन सोनकर, स्वामी उत्तम महाराज, पंचकुया राम मंदिर के संत श्री लक्ष्मण दास महाराज, श्री 1008 ब्रजोत्सव महाराज, अखंड धाम आश्रम के महामंडलेश्वर चेतन स्वरूप महाराज, संत श्री दादू महाराज, गोपाल दास जी महाराज, चिन्मयानंद महाराज सहित कई साधु संत महामंडलेश्वर उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।